हाय फ्रेंड्स, कॉमेडी दुनिया के फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर इस समय एक बहुत ही दुखी खबर सामने आई है। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है और इस समय वो हॉस्पिटल में हैं, जब वो जिम में थे और वर्कआउट कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एक होटल में ठहरे थे और मॉर्निंग में उनका जिम सेशन था। तभी वो ट्रेडमिल पर थे जहाँ वो वॉक कर रहे थे और उसी समय उन्हें चेस्ट पेन हुआ और वो वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाया। डॉक्टर्स ने वहां पर इस बात की पुष्टि कर दी कि राजू श्रीवास्तव को माइल्ड अटैक आया था। लोगों ने वक्त पर राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण उनकी हार्ट बीट रोकने से डॉक्टर बचा सके। अब इस वक्त राजू श्रीवास्तव हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि शायद अगर वक्त पर राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जाता तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होते। राजू श्रीवास्तव के एक स्पोक पर्सन ने ये बताया है कि अब वो रिकवर कर रहे हैं, उनके फैंस को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द रिकवर करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। स्पोक पर्सन ने यह भी बताया कि दिल्ली में कुछ मिनिस्टर्स के साथ राजू श्रीवास्तव की मीटिंग थी, क्योंकि इस वक्त यूपी में आने वाली जो फिल्म सिटी है उसके चेयरपर्सन खुद राजू श्रीवास्तव ही हैं और राजू श्रीवास्तव के अंडर ही ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री की एंटरटेनमेंट के साथ साथ राजू श्रीवास्तव पॉलिटिक्स में भी काम कर रहे हैं और इसी वजह से काम का बर्डन भी उन पर काफी ज्यादा है। वेल, आजकल ये देखा गया है कि किस तरह एक्टर्स काम का बर्डन ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं और इसकी वजह से कई बार कई एक्टर्स की तबीयत बिगड़ चुकी है। हम यही दुआ करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक होकर अपने फैंस के बीच वापस आ जाएं।